दोस्तों स्वागत है आपके डिजिटल कंट्री स्कूल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिक्स एसेट के ग्रॉस ब्लॉक और नेट ब्लॉक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका हम एक एग्जांपल के द्वारा भी देखेंगे कि ग्रॉस ब्लॉक और नेट ब्लॉक के बीच में हमारा क्या डिफरेंस होता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं ग्रॉस ब्लॉक की बात करूँ, किसी भी फिक्स एसेट का ग्रॉस ब्लॉक होता है, ग्रॉस ब्लॉक मीन्स जिस वैल्यू पर हमने उस फिक्स एसेट को इंस्टॉल किया है फैक्ट्री के अंदर, मतलब उसमें जो उसका परचेज वैल्यू हो गया प्लस उसमें जो वहाँ से लाने का उसका फ्रेट उसमें इंक्लूड हो जाएगा एंड उसमें जो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेज है वो सारा इंक्लूड होकर उस फिक्स एसेट का वहाँ पर ग्रॉस ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं नेट ब्लॉक की बात करूँ तो नेट ब्लॉक होता है जो भी हमारा ग्रॉस ब्लॉक में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा उस एसेट का तो वहाँ पे नेट ब्लॉक आ जाएगा। यानी कि ग्रॉस ब्लॉक हमारा जिस वैल्यू पे हमने जो भी हमारी एक्सपेंसेस लगे हैं मशीनरी को फैक्ट्री में इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, वो सारा हमारे ग्रॉस ब्लॉक में हो जाएगा और उसके बेस और हम जब भी एनुअल बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं मंथली बेसिस पे तो उसको हम उसमें से माइनस करते चले जाएँ ग्रॉस ब्लॉक में से, तो हमारा उस एसेट का वहाँ पे नेट ब्लॉक आ जाएगा। तो दोस्तों एक मैंने कंपनी का मतलब फिक्स एसेट शेड्यूल यहाँ पे लगाया है, ठीक है, फॉर्मेट। तो इसमें देखो आप ग्रॉस ब्लॉक देखोगे तो ये एक फॉर्मेट होता है जो हमें बैलेंस शीट का एक हमारा पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपका सबसे पहले ग्रॉस ब्लॉक आएगा, ठीक है, और ये ग्रॉस ब्लॉक आपका यहाँ पर आ गया, उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन है और नेट ब्लॉक है, तो आपको इसे मेंटेन करना होता है, जिसमें सबसे पहले आपका जैसे मैंने 2020 का ये निकाला है, 19-20 का, तो एक अप्रैल 2019 को आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्या आपने एडिशन किया, क्या डिलीशन किया और क्या आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बचा है, यानी ग्रॉस ब्लॉक जितना भी हमने अपने जो फिक्स एसेट के ऊपर जो भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस हमने कितने किए हैं अभी तक वो सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद डेप्रिसिएशन क्या था आपका 1 अप्रैल 2019 को और 31 मार्च 2020 को क्या था, तो आपका यहाँ पर सारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर मैं ग्रॉस ब्लॉक में से डेप्रिसिएशन को मेंशन करूंगा तो यह मेरा नेट ब्लॉक निकल के आ जाए।